Dear students, welcome in the video lecture on Werner's theory of coordination compounds and its experimental verification. तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे Werner's theory, जो कि coordination compounds के लिए पहली थ्योरी दी गई कि उसमें किस तरीके से बॉन्डिंग होती होगी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो मेटल और लिगेंड होता है उसके बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, कैसे हम उसके स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं और इस थ्योरी की क्या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है. कुछ वेरिफिकेशन होंगे जो बताएंगे कि जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है एज पर Werner's थ्योरी. तो ये जो थ्योरी है इसको वर्नर ने, अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में एक्सप्लेन किया. और इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया वर्नर ने कि बॉन्डिंग का नेचर कैसा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. तो उनके नाम पर इस थ्योरी का नाम क्या पड़ गया, Werner's थ्योरी. एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर हम इस थ्योरी को देखेंगे तो आप ये देखेंगे देर आर टू काइंड ऑफ वैलेंसीज. दो तरीके की वैलेंसीज होती हैं किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की और आयन की. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर आप देखेंगे अगेन, अगर हम रिकॉल करें तो एक मेटल था और उसमें लिगेंड थे और उसमें आपने देखा कि या तो उसमें चार्ज है और या फिर उसमें काउंटर आयन्स उस चार्ज को बैलेंस करते हैं. तो इस केस में आप देखेंगे ये जो मेटल आयन है, इस मेटल आयन कि दो तरीके की वैलेंसी होंगी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू Werner's थ्योरी. तो एक जो वैलेंसी होगी वो होगी प्राइमरी और दूसरी जो वैलेंसी होगी वो होगी सेकेंडरी वैलेंसी. तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जो दो तरीके की वैलेंसी ये शो करता है उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो इन डिफरेंस को हम चार कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू देखेंगे जो कि कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स थे. और उन कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस के आधार पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को समझाया जा सकता है. तो अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का अगर मैं देखूं, कोबाल्ट और इसके साथ 6 NH3 लिगेंड्स हैं और Cl3 है. ओके, दूसरा अगर मैं देखूँ इसी का कंपाउंड तो वो आप देखेंगे वो कंपाउंड है, इसके साथ 3 Cl3 हैं. दूसरा कंपाउंड अगर हम देखेंगे CO के साथ 5 NH3 हैं और 3 Cl है. तीसरा अगर मैं कंपाउंड देखूं तो इसके साथ 1 अमोनिया और मैंने कम कर दिया और 3 Cl है. और चौथा कंपाउंड जो जिस पर अल्फ्रेड ने वर्नर ने काम किया वो कंपाउंड जिसमें 3 अमोनिया और 3 क्लोराइड. तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर 6 अमोनिया है, यहाँ पर 5 अमोनिया, यहाँ पर 4 अमोनिया, यहाँ पर 3 अमोनिया. तो इन की हेल्प से हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को जानेंगे. तो अकॉर्डिंग टू वर्नर प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी इज द ग्रुप वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन. अगर हम इस कोबाल्ट को देखें किसी भी कॉम्प्लेक्स में इन चारों में से, तो हम ये देखेंगे कोबाल्ट की जो ग्रुप वैलेंसी होती है या हम कह सकते हैं जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, तो वो क्या है, +3. तो जो उसकी ग्रुप वैलेंसी है या जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है. ठीक है, और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करती है. अब हम देखेंगे सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है. अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. लिगेंड्स जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं और जनरली ये मेटल टू मेटल वेरी करती है. जो सेकेंडरी वैलेंसी है जैसे कोबाल्ट है उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 होती है, मतलब जनरली इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 6 क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं. तो यहाँ पर कोई भी कोबाल्ट हम देखें तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है. उसको हम अभी देखेंगे कि कैसे वर्नर ने बताया. तो आप ये देखेंगे एक है प्राइमरी वैलेंसी जो कि उसकी ग्रुप वैलेंसी होती है और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, कितने लिगेंड्स उसके साथ जुड़े हुए हैं जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो वो क्या होती है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी. एंड दिस सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड्स द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिसाइड करती है. तो अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी देखूं तो वो क्या है, ग्रुप वैलेंसी. ओके, तो अगर मैं देखूं तो ये है ग्रुप वैलेंसी.
या ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी को देखूं तो वो क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, और वो कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इनसाइड है उसके, ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। और अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी को देखें तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या करती है, सेकेंडरी वैलेंसी करती है ज्योमेट्री को डिसाइड, क्योंकि आप देखेंगे अभी लिगेंड का नंबर है तो वो डिसाइड करती है, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड्स द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करती है, ठीक है। अगर आप प्राइमरी वैलेंसी को देखेंगे तो जनरली हम प्राइमरी वैलेंसी को अकॉर्डिंग टू वर्नर्स डैश लाइन से जोड़कर दिखाते हैं मेटल के साथ, और अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी को देखेंगे तो फिर हम डार्क लाइन से जोड़ेंगे मेटल को लिगेंड के साथ, जो भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो डार्क लाइन से शो करेंगे, और जो प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा होगा उसको हम डैश लाइन से दिखाएंगे। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, स्फीयर के अंदर भी हो सकती है और स्फीयर के बाहर भी हो सकती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही होती है। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कोई ऐसे लिगेंड्स या कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस लिगेंड को मेटल के साथ जब जोड़ते हैं तो दो लाइन से दिखाते हैं उसको, हम सॉलिड लाइन से भी दिखाते हैं, डैश्ड लाइन से भी दिखाते हैं। तो ये केस वहां पर होगा जहां पर जो ग्रुप है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, तो उस केस में हम दोनों तरीके से दिखाते हैं। अब मैं आपको ये जो चार मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं उनके स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी ड्रॉ करके आपको मैं दिखा रही हूँ कि कैसे ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को समझाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल मैंने आपको चार मॉलिक्यूल दिखाए, वो चार मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो पहला मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, देखिए CO NH3 होल 6 Cl3। तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे तो देखिए ये Cl, ये Cl और ये Cl आप देखेंगे डैश लाइन से शो किया है, इसका मतलब ये सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है, इसका मतलब कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी है, 3 है, क्योंकि ये 3 Cl सेटिस्फाई कर रहे हैं डैश लाइन से। अब अगर मैं NH3 देखूं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 NH3 जो हैं उनको हमने डार्क लाइन से शो किया है, इसका मतलब है जो कोबाल्ट है यहाँ पर उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6 है। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ वर्नर्स, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरीके से देखेंगे, CONH3 होल 6 Cl3। देखिए क्या हुआ, ये जो 6 वैलेंसी जो शो कर रहा है, ये सेकेंडरी वैलेंसी, ये 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो मैंने आपसे कहा जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो स्फीयर के अंदर होती है, ये जो 3 Cl हैं जो कि हमने यहाँ पर डैश लाइन से शो किए हैं ये प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं, और उसका स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे उसको हम इस तरीके से उसका फॉर्मूला लिखेंगे। दूसरा अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो दूसरे स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसका CONH3 होल 5 Cl3, देखिए Cl उतने ही है, 1, 2, 3 NH3 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए जो Cl है उसको डैश लाइन से दिखाया, दूसरे Cl को भी डैश लाइन से दिखाया, तीसरे Cl को दोनों लाइन से दिखाया गया है, डार्क लाइन से भी और डैश लाइन से भी, इसका मतलब ये वाला Cl जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी एक्ट कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी की भी तरह एक्ट कर रहा है। तो जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी तो मैं इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखूंगी, देखिए मैं लिखूंगी CONH3 होल 5 Cl, अब मैंने एक Cl को कहाँ रख दिया, अंदर रख दिया देखिए, और यहाँ बाहर आ गया Cl2। तो इसमें क्योंकि 3 Cl हैं तो जब भी हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा +3 ही आएगी, ओके,
तो इसका मतलब मैंने आपसे कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम स्फीयर के अंदर भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं, तो ये जो सीएल है अंदर है तो ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको तो कर ही रहा है, और साथ में ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर क्या आ रहा है +3, तो वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसके फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिखेंगे और हम इस सीएल को दोनों लाइन से शो करते हैं, डैश लाइन से भी और डार्क लाइन से भी। अब अगर आप तीसरा फॉर्मूला देखेंगे तो तीसरा फॉर्मूला है CONH3O4Cl3, तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो Cl, अब आप देखिए क्योंकि NH3 कम हो गए हैं तो सेकेंडरी वैलेंसी की तरह दो Cl काम करेंगे, तो दो Cl को हम डैश्ड एंड डार्क लाइन से दिखाएंगे और तीसरे Cl को हम डैश लाइन से दिखाएंगे, तो इससे पता चल रहा है कि ये तीन डैश लाइन मतलब प्राइमरी वैलेंसी को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो दो Cl है वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी डिसाइड कर रहे हैं। और आपसे मैंने कहा था जो सेकेंडरी वैलेंसी है डिसाइड द स्ट्रक्चर, देखिए 1 ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड होंगे जो भी सेकेंडरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो वो ऑक्टाहेड्रल शेप इसका, देखिए सब में ऑक्टाहेड्रल शेप है क्योंकि सेकेंडरी जो वैलेंसी है इट सेटिस्फाइज द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, CONH3O3Cl2, देखिए अब दो Cl अंदर आ गए क्योंकि सॉरी यहां पर 4 है, तो अब ये सेकेंडरी वैलेंसी 4 और 2 6, सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा 6 रहेगी, देखिए यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है। अब अगर हम तीसरा फॉर्मूला देखेंगे तो तीसरे फॉर्मूले में क्या है, CONH3O3Cl3, इस केस में आप देख रहे हैं तीनों के तीनों Cl दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों को हमने डैश लाइन से भी दिखाया है और डॉट लाइन से भी दिखाया है, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी एक्ट कर रहे हैं। और जब हम इसको लिखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसके फॉर्मूले को वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, और इसको ये बताता है कि ये जो Cl है, देखिए इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ही आएगी, और 3 और 3 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ रही और प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ रही, +3, तो उसको हम इस तरीके से स्ट्रक्चर को उसके ड्रॉ करेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर बताए हैं इन्होंने, देखिए वर्नर ने देखिए इसके स्ट्रक्चर को ऐसे बताया कि 3 Cl बाहर है, यहां पर उन्होंने बताया कि 2 Cl बाहर होंगे, 1 Cl बाहर है और यहां पर कोई भी Cl बाहर नहीं है, तो ये जो ज्योमेट्री उन्होंने बताई इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी उन्होंने दिए कि कैसे पता चला कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसके लिए उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए जिसमें उन्होंने 2 मेथड चूज किए, एक तो उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी को मेजर किया और दूसरा प्रेसिपिटेशन मेथड को यूज किया। तो देखिए उन्होंने वो चारों मॉलिक्यूल ले लिए, एक उन्होंने जिसमें 6 लिगेंड थे, एक जिसमें 5 NH3 थे, एक में 4 NH3 थे और एक में 3 NH3 थे, तो जब उन्होंने उनकी कंडक्टिविटी मेजर करी तो उन्होंने देखा कि जब हम ऐसे ऐसे जाएंगे तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्यों डिक्रीज होती है उसका भी उन्होंने सबूत दिया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है जब ये डिसोशिएट होगा तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स आयन और 3 Cl देगा, टोटल आयन जो हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, देखिए इन दोनों आयन को अगर हम जोड़ देंगे तो 4 आयन बन गए, एक कॉम्प्लेक्स आयन और 3 क्लोराइड आयन, अगर इस कॉम्प्लेक्स को अगर अगर ये इसका हम अगर आयनाइजेशन करें, इसकी कंडक्टिविटी मेजर करें तो 2 आयन देगा, एक आयन तो ये कॉम्प्लेक्स आयन होगा और 2 Cl- यानी टोटल आयन्स कितने हो गए, 3, इस मॉलिक्यूल के केस में टोटल आयन 2 होंगे और इसके केस में 1 भी आयन नहीं होगा, तो ये कंडक्टिविटी क्या करेगा, सबसे कम देगा, कोई कंडक्टिविटी नहीं आएगी, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो कंडक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ आयन्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ आयन्स यहाँ 4 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, तो फिर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसका मतलब जो भी इन्होंने यहाँ फॉर्मूला दिया इसका मतलब ये जो बाहर है ये आयनाइजेबल है ना, तो ये जैसे जैसे काम होता जा रहा है वैसे वैसे कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। दूसरा जो उन्होंने प्रेसिपिटेशन मेथड दिया उसमें उन्होंने देखा कि ये जो कोबाल्ट के क्लोराइड हैं जब इनको AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट कराया जाता है तो ये उन्होंने देखा कि जहां पर 3 Cl थे वहां पर 3 Ag यूज हो रहे थे, जहां पर 2 Cl थे वहां पर 2 Ag यूज हो रहे थे, और जहां पर 1 Cl था वहां पर 1 AgNO3 यूज हो रहा था, जबकि जो जहां पर 1 भी नहीं था वहां पर कोई भी AgNO3 यूज नहीं हो रहा था। इससे ये पता चलता है कि इस
मॉलिक्यूल में तीन आयनाइजेबल क्लोराइड हैं, इसमें दो आयनाइजेबल क्लोराइड हैं और इसमें एक आयनाइजेबल क्लोराइड है। तो इसका मतलब जो भी उन्होंने ज्योमेट्री दी वो बिल्कुल एकदम करेक्ट दी थी वर्नर ने। और लेकिन क्या होता है, हर थ्योरी के कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं। तो ये हम डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि जो वर्नर थ्योरी दी गई उसकी क्या लिमिटेशंस थी, क्या उसमें डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से एक दूसरी थ्योरी आई जो कि क्या थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। तो ये जो थ्योरी थी, आपने देखा कि स्ट्रक्चर को तो बता पाई, लेकिन ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग को इसने कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसका नेचर कैसा होता है, आयनिक होता है, कोवलेंट होता है या कोऑर्डिनेट होता है, उसके बारे में इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। और दूसरा आप देखेंगे कि ये नहीं बता पाए कि चार या छः कोऑर्डिनेशन जो हैं जनरली प्रिफर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशंस होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जिसके बाद फिर नई थ्योरी आई जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। ओके, अब हम देखेंगे कि यही इस वर्नर थ्योरी के बाद थोड़ा सा जब स्ट्रक्चर पता चला तो फिर एक और कंसेप्ट आया, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट। और उस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास, वो जनरली क्या होता है, एक नोबल गैस का कन्फिग्रेशन आता है और उसी को हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि इसकी कितना एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है CO3 प्लस है। अब CO3 प्लस, CO पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 27 होते हैं, अगर ये 3 प्लस होगा तो कितने हो जाएंगे 24 प्लस। ये लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक NH3 दो देता है तो 6 कितने देंगे 12 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो जाएंगे 36। तो ये जो है, दिस इज नोबल गैस कन्फिग्रेशन, क्रिप्टॉन का ये कन्फिग्रेशन है, तो इसने अटेन कर लिया। तो इसका EAN क्या है 36, इट मीन्स इट इज फॉलोइंग द EAN रूल। अगर मैं इसके लिए EAN निकालना चाहूँ तो मैं देखूँगी कि निकल का जो एटोमिक नंबर है 28 है और कार्बोनिल जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चार कार्बोनिल है तो 8 इलेक्ट्रॉन देगा। अगेन यू विल फाइंड इट इज ओबेइंग EAN रूल, क्योंकि Ni की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर 0 है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आयरन Fe2 प्लस की फॉर्म में है, 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 24। और ये 6 CN लिगेंड है तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, क्योंकि एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगेन इट इज फॉलोइंग द EAN रूल। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो Ag है, सिल्वर है, सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है 47 होता है, यहाँ पर प्लस की फॉर्म में, सो इट बिकम 46। एंड आप देखेंगे यहाँ पर चार लिगेंड हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन देगा, तो अगेन इट इज क्या हो रहा है 54 इसका EAN हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा जो सिल्वर है वो जो उसके एटॉमिक जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर आ गए, जीनोन के बराबर। अगर हम VCO6 को देखेंगे तो जो वेनेडियम है उसमें आप देखेंगे कि उसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 23 इलेक्ट्रॉन्स, और 23 इलेक्ट्रॉन्स वेनेडियम के पास होते हैं, मतलब उसका एटॉमिक नंबर, प्लस इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा 24 हो जाएंगे। एंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय दीज लिगेंड्स दे बिकम 12 एंड नाउ इट बिकम्स 36। तो अगेन ये क्रिप्टन के कन्फिग्रेशन के उसके एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। ऐसी इन द सिमिलर वे अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो अब देखें कि ये EAN कॉन्सेप्ट को कैसे फॉलो करता है। अगर मैं MN को देखूं तो 25 इसका एटॉमिक नंबर है, इस पर अगर आप देखेंगे दो चार्ज है प्लस चार्ज, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, प्लस चार इसके पास लिगेंड है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करेंगे। तो आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो आप देखेंगे इसके पास 31 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो MnCN42 नेगेटिव है ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो EAN कंसेप्ट हमें एक्चुअल में ये बताता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स हैं, अगर इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर वो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाएं, तो ये माना जाता है कि ये जो स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सिडविक ने ये कंसेप्ट दिया था, EAN कंसेप्ट। ओके, तो
तो इस तरीके से आपने देखा, आपने इस पूरे लेक्चर में जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि कैसे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनको कौन सी थ्योरी दी गई, उनको जो थ्योरी दी गई वो दी गई पहली थ्योरी जो थी वो थी वर्नर्स थ्योरी। और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें दो तरीके की वैलेंसी पाई जाती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। और ये दोनों वैलेंसी के बल पर ही उसके ऊपर डिपेंड करके ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज हम उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये कौन से लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कौन से लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं। और उसके लिए कुछ एविडेंसेस भी हैं जो इस थ्योरी को ओके करते हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है। उसके लिए जो एविडेंसेस हैं, एक तो मोलर कंडक्टिविटी मेजरमेंट किए गए, दूसरा प्रेसिपिटेशन मेथड को यूज किया गया जिससे पता चला कि ये जो कंपाउंड है वो उनका स्ट्रक्चर इसी तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। देन आपने देखा कि ईएन कंसेप्ट एक दिया सिडविक ने, और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपने देखा कि कैसे जो कुछ स्पीसीज हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं कि वो स्टेबल हैं या वो नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपने एक थ्योरी पढ़ ली है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, और वो थ्योरी है अगर आप देखेंगे तो वो है वर्नर्स थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है वो हमें ये नहीं बता पाई कि मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड का नेचर है वो कैसा होता है। इसलिए नेक्स्ट थ्योरी फिर आई जिसको हम नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पेशेंसली ये वीडियो देखी। थैंक यू वेरी मच।